और आपको बताते हैं उद्धव ठाकरे की बातों को एकनाथ शिंदे ने जवाब दे दिया है। ट्वीट करके उद्धव ठाकरे के सामने एकनाथ शिंदे ने बड़ी शर्त रख दी है कि सबसे पहले उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलें, इस अलायंस से बाहर निकलें, सबसे पहले उद्धव ठाकरे शरद पवार और कांग्रेस का साथ छोड़ें। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना काफी कमजोर हुई है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि शिवसैनिक कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दिया। एकनाथ शिंदे ने साफ साफ लिखा है कि महाअघाड़ी सरकार से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि वो सबसे पहले इस एमबीए यानी महाअघाड़ी सरकार से बाहर निकले। वो लिखते हैं कि पिछले ढाई साल के अंदर महाविकास अघाड़ी सरकार में केवल और केवल सहयोगी दलों का विकास हुआ, यानी कांग्रेस और एनसीपी का केवल विकास हुआ और शिव सैनिक दबाए गए। वो ये भी कह रहे हैं कि सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी तो इन ढाई साल में मजबूत होते गए और शिवसेना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। इसके बाद वो ये लिखते हैं कि अब हिंदुत्व का वक्त है, अब आपको वापस हिंदुत्व के रास्ते पर लौटना पड़ेगा। वे कह रहे हैं कि अब ये जरूरी है कि ये अस्वाभाविक अननेचुरल जो अलायंस बना है ये खत्म किया जाए। शिव सैनिकों को बचाने के लिए, शिवसेना को बचाने के लिए ये अस्वाभाविक जो अलायंस है महाविकास अघाड़ी, इसको अब तोड़ा जाए, इससे बाहर निकला जाए। और फिर अंत में वो लिखते हैं कि फैसला अभी लेना होगा, महाराष्ट्र के भले के लिए अभी फैसला करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को। तो उद्धव ठाकरे जो इमोशनल कार्ड खेल रहे थे कि कोई कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, या यहां आकर मेरे सामने कहे मेरा एक भी विधायक तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मैंने लिख कर रखा है जाके राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा दे दे, उसका जवाब अभी इंतजार कर रहे थे कि देंगे एकनाथ शिंदे। हमने सोचा था कि शायद वो मीडिया से बात करें, लेकिन उन्होंने ट्विटर के जरिए जवाब जरूर दे दिया है और ये कह रहे हैं कि फैसला अब लेना ही पड़ेगा, फैसला लेने का वक्त आ गया है अगर महाराष्ट्र का भला चाहते हैं और अगर शिवसेना को बचाना चाहते हैं। क्योंकि ढाई साल के अंदर नुकसान अगर किसी का हुआ है तीन पार्टियों की सरकार में तो वो शिवसेना और शिवसैनिकों का हुआ है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी लगातार मजबूत होती गई, वो सारा फायदा उन्हें पहुंचा और इन ढाई सालों में नुकसान केवल और केवल शिवसेना का हुआ है और कमजोर होती गई है पार्टी और अब बाहर निकलना होगा इस अलायंस से, महाविकास अघाड़ी सरकार से उद्धव ठाकरे को। और देखिए हैशटैग जो यूज किया है हिंदुत्व फॉरएवर। सोचिए चार दिन पहले तक शिवसेना 55 विधायकों की पार्टी थी, आज 17 विधायक रह गए। खबर यहां तक है कि अगले 24 घंटे में उद्धव ठाकरे ने पार्टी अगर नहीं संभाली तो 10 विधायक ही बचेंगे। कौन अब्दुल सत्तार जो बीजेपी में जाना चाहते हैं, कौन है बच्चू कडू जिनको लग रहा है कि ठाकरे सरकार में रहेंगे तो उनकी राजनीति खतरे में पड़ सकती है, कौन है तानाजी सावंत जिनको लगता है एनसीपी से गठबंधन उनको अगला चुनाव हरवा देगा। कल तक जिनको महाराष्ट्र के बाहर कोई जानता नहीं था उनकी आज दिल्ली तक में चर्चा हो रही है। वो 38 जिन्होंने ठाकरे सरकार को हिला दिया, पवार की पावर घटा दी, क्या ये 38 ऐसे हैं जो किसी भी सूरत में ठाकरे के पास अब वापस नहीं लौटेंगे? ये 38 कितने हिंदुत्ववादी हैं, कितने बड़े शिव सैनिक हैं, या इनका कोई अपना गेम प्लान है? देखते हैं। इस तस्वीर ने महाराष्ट्र में भूचाल ला दिया। इस फोटो ने सरकार गिरा दी। इस पिक्चर ने उद्धव ठाकरे को सिंहासन से उतारा। महाराष्ट्र में यह भूकंप अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी टिक टिक काफी देर से बज रही थी। इसका सिग्नल बार बार दिया जा रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे संजय राउत को विद्रोह की न टिक टिक सुनाई दी न सिग्नल समझ में आया। जैसे मौका मिला सब फट पड़े। ये सब अलग अलग थे, ठाकरे सरकार से परेशान थे, मगर अब एक साथ हैं और इनको एक साथ एकनाथ शिंदे लाए। ये शिंदे की सेना है जो ठाकरे के खिलाफ खड़ी है, डटी है और खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर चुकी है। शाहजी पाटिल, अब्दुल सत्तार, शंभूराजे देसाई, सुहास कांदे, अनिल बाबर, रमेश बोरणारे, तानाजी सावंत, संदीपन भूमरे, यामिनी जाधव, लता सोनवणे, बच्चू कड़ू, एकनाथ शिंदे, चिमनराव पाटिल, प्रदीप जायसवाल, महेश शिंदे,
श्रीनिवास बनगा, भरत गोगावले, सांतारा मोरे और महेंद्र दलवी। ये वो चिंगारी है जो पिछले 2.5 साल से शिवसेना के अंदर अंदर सुलग रही है। ठाकरे सरकार के खिलाफ बगावत एक दिन में शुरू नहीं हुई, बल्कि हर दिन के साथ इन विधायकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये उद्धव ठाकरे के पीछे जरूर खड़े होते थे, लेकिन ये एकनाथ शिंदे को अपना लीडर मानते हैं। जैसे जैसे बीजेपी की चार्टर्ड फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड कर रही है, वैसे वैसे ठाकरे सरकार का काउंटडाउन तेज हो रहा है। ऐसा नहीं है, एकनाथ शिंदे ने एक बार कहा और ये सारे विधायक ठाकरे के खिलाफ हो गए, बल्कि महाअघाड़ी सरकार में इनमें से एक एक चेहरे का नुकसान हो रहा था। इनके सामने दो रास्ते थे, ठाकरे के साथ रहकर अपना राजनीतिक करियर खत्म करें या बीजेपी के साथ आकर चुनावी राजनीति को आगे बढ़ाएं। चाहे संदीपान भूमरे हो, रमेश बोरनारे हो, सुहास कांदे हो या फिर शाहजी पाटिल, इन लोगों के लिए पिछले चुनाव में बीजेपी चुनौती नहीं थी, बल्कि इनका सीधा मुकाबला एनसीपी से था। इन लोगों के चुनाव क्षेत्र में दूसरे नंबर पर एनसीपी आई थी। 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ी थी तो सबसे ज्यादा फायदा एनसीपी को हुआ था। वहीं 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी तब ज्यादा फायदा शिवसेना ले गई। शिंदे की सेना में 38 विधायक हैं, जिनमें शिंदे को मिलाकर ठाकरे सरकार के 4 मंत्री भी हैं। एकनाथ शिंदे के दाईं तरफ बच्चू कड़ू बैठे हैं, जिनको शिक्षा राज्य मंत्री की कुर्सी दी गई है। शिंदे के बाईं तरफ चिमन राव पाटिल हैं। पहले बात बच्चू कड़ू की। बच्चू कड़ू बाल ठाकरे से खासे प्रभावित थे, इसी कारण बच्चू कड़ू ने राजनीति में आने का फैसला किया। बच्चू अचलपुर से 4 बार से विधायक हैं और इनके लिए अपना भिड़ू बच्चू कड़ू नारा लगाया जाता है। 2004, 2009, 2014 में निर्दलीय चुनाव जीते, 2019 में प्रहार जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े, जिसमें बच्चू कड़ू को 81,252 वोट मिले। दूसरे नंबर पर 72,856 वोटों के साथ कांग्रेस थी। बच्चू कड़ू एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाते हैं और महाअघाड़ी सरकार में रहने से बच्चू कड़ू की क्षेत्रीय राजनीति कमजोर हो रही थी। अब बात चिमनराव पाटिल की, जो एरंडोल विधानसभा से आते हैं, 2009 में और 2019 में चुनाव जीते। 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े और चिमनराव पाटिल को हार मिली, यानी अगले चुनाव में इनको फिर हार मिलने के पूरे चांसेस बनते दिख रहे हैं। जितने भी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए, जिन्होंने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा है, उनको शिवसेना की जरूरत नहीं है। वो शिवसेना के नाम के बगैर भी चुनाव जीतने का मादा रखते हैं। वो हिंदुत्व के लिए शिवसेना के साथ थे। हिंदुत्व शिवसेना की हमेशा से ही पहचान रही है। शिवसेना ने अपनी सियासत में हमेशा ही हिंदुत्व को सबसे आगे रखा, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता बनाई, लेकिन इसी वजह से शिवसेना का कट्टर हिंदू वोट बैंक उनसे नाराज हो गया। शिवसेना के चुने हुए विधायकों को भी इस नाराजगी का एहसास हो रहा था, क्योंकि चाहे लाउडस्पीकर का मुद्दा हो या फिर हनुमान चालीसा का मुद्दा, हर बार ये नाराजगी बढ़ती जा रही थी और शिवसैनिकों और उद्धव ठाकरे के बीच की दूरियाँ लगातार बढ़ रही थी। विधायकों को लगा कि अगर सही वक्त पर उन्होंने कदम नहीं उठाया तो इस नाराजगी का खामियाजा उन्हें भी आगामी चुनाव में उठाना पड़ सकता है। शंभूराजे देसाई को महाअघाड़ी सरकार में गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। शंभूराजे देसाई शिवसेना के हमेशा सैनिक रहे हैं, मगर सियासी गलियारों में ऐसा दावा किया जाता है कि कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की वजह से उनकी तक नहीं सुनी जा रही। 2019 के विधानसभा चुनाव में शंभूराजे देसाई को 1,06,266 वोट मिले थे,
दूसरे नंबर पर एनसीपी थी जो जीत से ज्यादा दूर नहीं थी। उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के लिए गठबंधन किया जिसका खमियाजा सबसे ज्यादा शिवसेना को हुआ। कट्टर हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ा। कई मुद्दों पर कांग्रेस और एनसीपी के सामने झुकना पड़ा जिससे उद्धव ठाकरे का सिंहासन तो बचा रहा लेकिन शिवसेना का वोट बैंक खत्म होने लगा, जिसका असर इतना पड़ा कभी उद्धव ठाकरे के लिए सात मंजिल से छलांग लगाने की बात करने वाले संदीपन भूमरे ने भी साथ छोड़ दिया। संदीपन भूमरे 5 बार से लगातार विधायक रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे कह रहे हैं सामने आकर बोलने पर वो सीएम पद से इस्तीफा तक दे देंगे, लेकिन संदीपन भूमरे का कहना है उन्होंने इसलिए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा क्योंकि शिवसेना के विधायकों का कोई काम नहीं होता था। आज संदीपन भूमरे ठाकरे के सैनिकों से एकनाथ शिंदे की सेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा भी दावा किया जाता है कि उद्धव ठाकरे को हमेशा कुर्सी खोने का डर सताता रहता था, इसी वजह से वो कांग्रेस एनसीपी पर ज्यादा ध्यान देते थे और सरकार बनने के बावजूद शिवसैनिक खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। ऐसे वक्त में 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों का साथ दिया, उनकी बातों को सुना और आज हर कोई शिंदे की सुन रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।